पिनाका, अग्नि, ब्रह्मोस, शौर्य, इन सारे हथियारों के बारे में हो सकता है कि एटलीस्ट आपने सुना जरूर हो, लेकिन क्या आपने काली के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये भारत का अभी तक का सबसे टॉप सीक्रेट और सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है। और ये कितना खतरनाक है इसका पता आपको वीडियो में चलने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट हम 2012 में ऑलरेडी पाकिस्तान पर कर चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड वीडियो से आपके ज्ञान में कुछ इंक्रीमेंट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि काली है क्या चीज। काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इसे DRDO एनबार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। काली एक लेजर वेपन है। ये बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम की पल्स को टारगेट की तरफ एम करके उसे हिट करता है एंड टारगेट को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। इसकी एनर्जी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे निकलने वाली एनर्जी आसमान से गिरने वाली बिजली से ऑलमोस्ट 40 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। काली सीरीज के कई सारे वर्जन हैं, जिनमें से लेटेस्ट है काली 5000। एंड काली में चार्ज को बिल्ड करने के लिए वाटर फिल्ड कैपेसिटर का यूज किया जाता है। काली प्रोजेक्ट को 1985 में बार्क के उस टाइम के डायरेक्टर आर चिदम्बरम द्वारा स्टार्ट किया गया था, पर इस पर काम 1989 में स्टार्ट हुआ। एंड इनिशियली इसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया गया था, बट ये इतना खतरनाक था कि बाद में इसकी लिथालिटी को देखते हुए डिफेंस पर्पस के लिए सजेस्ट किया गया। लेकिन काली को डिफेंस में यूज करने का सजेशन आया कहां से? तो साल 2009 में जवाहर टनल, जो कि कश्मीर वैली को इंडिया के बाकी पार्ट से कनेक्ट करती है, इसमें बर्फ जम गई थी। एंड इस टनल को दोबारा से फंक्शन में लाने का काम दिया गया BRO को, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने लो पावर्ड काली गन्स का यूज करके बर्फ को हटाने का काम शुरू किया। इन लो पावर्ड काली गन्स का यूज करके छोटे छोटे एवलांचेस या हिमस्खलन को लाया जा सकता था। जब ये बर्फ हटाने का काम चल रहा था, तब वहां पर एक रिटायर्ड रॉ ऑफिसर भी मौजूद था जो ये सब देख रहा था। एंड ये सब देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि काली का यूज इंडिया के डिफेंस में भी किया जा सकता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद कुछ ऑफिशियल्स ने ये डिसाइड किया कि काली लेजर वेपन, जो कि काली गन से काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका टेस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर किया जाए। एंड इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन टीम, साइंटिस्ट एंड रॉ एजेंट्स को इंडियन आर्मी की सियाचिन पोस्ट पर भेजा गया, और इसके लिए उन्हें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी दी गई। नाउ टाइम आ चुका था एक्सपेरिमेंट का, बट काली लेजर वेपन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसका वेट एंड इसका साइज भी काफी ज्यादा होने वाला था। एंड इसी की वजह से इसे हवा में ले जाकर वहां से लेजर बीम को पूरी एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर फोकस करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला था। तो इसे हवा में कैरी करने के लिए जो प्लेन चुना गया वो था रशियन IL-76। एंड ये वही प्लेन है जिसके द्वारा रिसेंटली यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया था। एक और IL-76 विमान को चूज करके उसमें AWACS सिस्टम को लगाया गया, ताकि AWACS सिस्टम से आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल्स का पता लगाया जा सके। नाउ ये दोनों IL-76 एयरक्राफ्ट थे AWACS एंड काली को कैरी करने के लिए, बट इनके अलावा काली की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे 2 Sukhoi-30 जेट्स, जो कि बहुत ही अच्छे इंटरसेप्टर माने जाते हैं एंड आने वाले किसी भी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर सकते थे। एंड अगर इस केस में ये एंगेज हो जाते तो काली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आ जाती पीछे चल रहे 6 मिराज फाइटर्स पर, जो काली के साथ ही फ्लाई कर रहे थे। नौ बार के साइंटिस्ट के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम चुना गया, एंड 7 अप्रैल 2012 को IL-76, 2 Sukhoi-30 एंड 6 मिराज अपने फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं एंड 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर IL-76 प्लेन से काली को यूज करके टारगेट पर लेजर बीम को शूट किया जाता है। एंड इसके बाद आता है एक मैसिव एवलांच। इस हिमस्खलन की रफ्तार करीबन 300 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है, एंड इतनी तेज रफ्तार के साथ ये बर्फ पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही होती है। पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर अपने मौजूद अपने आर्मी पर्सनल को अलर्ट करने की कोशिश की, बट 300 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आई हुई सफेद मौत की चादर ने उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। देखते ही देखते पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स 80 से 100 फीट मोटी बर्फ के नीचे दब गए थे, एंड इस घटना में करीबन 140 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। ये एवलांच पाकिस्तान की नॉर्दर्न इन्फेंट्री के लिए एक मेजर डिस्ट्रक्शन था जो पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं भूलेगी। एंड ऑल्दो ये ऑपरेशन इंडिया के डिफेंस के लिए एक ग्रेट सक्सेस साबित हुआ था, बट इंडिया ने कभी भी इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं ली। इवन 14 जुलाई 2018 को पार्लियामेंट में जब गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि क्या काली 5000 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट किया गया है,
तो उस टाइम के रक्षा मंत्री लेट मनोहर परिकर जी के द्वारा ये कहा गया कि ये इन्फॉर्मेशन काफी सेंसिटिव है एंड इसलिए इसे डिस्क्लोज करना नेशनल सिक्योरिटी के फेवर में नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इस ऑपरेशन को एक्नॉलेज नहीं किया। तो इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।